हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। यदि आप परमानेंट गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी राज्यों की वैकेंसी के नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होते हैं आप लोगों को सूचना बिल्कुल समय से पहले बताई जाती है ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें। पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि इस वैकेंसी के अंदर जो है क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज क्या कही गई है, एज क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। लिंक ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग लिंक पर क्लिक करके और आराम से नोटिफिकेशन को पढ़ें और उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आते हैं आप लोगों को ज़रूर सूचना दी जाती है, तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लेटेस्ट वीडियोस रहते हैं 1 वीक के वो तो ज़रूर देखें। हो सकता है कि उसमें आपका सब्जेक्ट आपके राज्य की वैकेंसी रही हो। कई बार जो है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलता है, लास्ट डेट निकल जाती है, ऐसे में आप लोग जितने भी वीडियोस हैं लेटेस्ट देखते रहें। 85,000 परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी, जिसमें बीएड, जेबीटी, बीटीसी, डीएलएड छात्र जो हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी रहेगी। 69,000 जो है शिक्षक भर्ती आरक्षण क्या है, तो चलिए जान लेते हैं, अंत तक वीडियो के बने रहें। यहाँ पर जो बात हो रही है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो 85,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होनी है, इससे पहले 69,000 पदों पर जो है वो वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर आप देखें, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान कर दिया गया है। 85,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और आवेदन कार्यक्रम को लेकर काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो सरकारी स्कूल हैं इसमें नई शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी पिछले 6 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। 2017 के बाद से अब तक जो है वेट ही करते आ रहे हैं बच्चे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जो है खबर है, क्योंकि 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश ने 85,000 शिक्षक भर्ती के द्वार खोल दिए हैं। तो ये न्यूज़ जो है वो आप लोगों को सभी को पता लगी होगी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया। तो ये जो समस्या थी क्या थी, दरअसल जो बीजेपी गवर्नमेंट थी इसने 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन शिक्षकों के तौर पर करने का आदेश हुआ, तो इसमें 1,37,000 शिक्षा मित्र समायोजित हुए। इसके खिलाफ पहले से स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक और अभ्यर्थी ये कोर्ट में चले गए कि अब इनका क्या होगा। समायोजन रद्द कर राज्य सरकार को खाली पड़े पदों को जो है भरने का आदेश दिया। तो ऐसे में जल्दी से 69,000 पदों पर जो है वो भर्ती निकाली गई। कुल 4,10,000 युवाओं ने फॉर्म भरा और इसमें 1,00,000 से थोड़ा सा अधिक अभ्यर्थी जो है वो पास हुए थे। अब यहाँ पर जो है 1,10,000 अभ्यर्थी तो आरक्षित वर्ग के थे, जिसमें 85,000 ओबीसी कैंडिडेट थे। तो अभी जो है सरकार ने परीक्षा होने तक कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की थी। परीक्षा के अगले दिन कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, जिसमें सामान्य वर्ग के 65 और ओबीसी के 60% अंक रखे गए। डिग्री और कट ऑफ को मिलाकर जो है गुणांक बनता है और इसी गुणांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ऐसे में मेरिट लिस्ट में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11 और ओबीसी का 66.73 रखा गया। नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था, यानी अभ्यर्थियों को एक नंबर गलत तरीके से मिला। जांच हुई तो आरोप जो था वो सही पाए गए। तब हाईकोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनके एक नंबर बढ़ाए जाएं। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में भी जो है अनियमितता हुई है। आरक्षण नियमावली कहता है कि नंबर के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के हिसाब से अंक पाने वालों को आरक्षित वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में रखा जाए, वहीं आरक्षित वर्ग को उनके कट ऑफ के हिसाब से चयनित किया जाए। दावा यह भी किया गया कि सरकार ने मात्र 3% ही ओबीसी वर्ग का चयन किया है। हालांकि जांच के बाद सरकार ने दावा किया कि 18,568 पदों के सापेक्ष 30,000 से ज़्यादा ओबीसी का चयन इस भर्ती में हुआ है। तो अब जो है ये जो आरक्षण संबंधी विवाद था ये समाप्त हुआ है। अब 85,000 पदों पर जो है सीधी भर्ती होगी। ठीक है, चलिए, ये न्यूज़ जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जो वैकेंसी आएगी इसमें आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होंगे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा।